फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरीज। तो इसका हमने थियरी देख लिया है गार्डनर की, जो सेवन टाइप्स की थियरी थी, तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी आपको। ओके सो लेट स्टार्ट। गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज हैज़ सेवरल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है जो कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्लासरूम में, जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब यूज़ कर सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है तो मल्टीपल उसे इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीपल वे से उसे पढ़ाना पड़ेगा। मीन्स मल्टीपल कई सारी मीन्स डिफ्रेंशिएशन, कई सारे अलग अलग चीज़ों के तरीके से उसे पढ़ाना पड़ेगा। सो द थियरी स्टेट्स दैट ऑल सेवन इंटेलिजेंसेज आर नीडेड टू प्रोडक्टिवली फंक्शन इन सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो सेवन टाइप्स की इंटेलिजेंसेज हैं, जो बुद्धि है सात तरीके की, वो क्या करती हैं कि मतलब प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग तरीके के बच्चे में होती है, तो मतलब प्रोडक्टिव मीन्स कि अलग अलग बच्चों में वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सोसाइटी के लिए मतलब काम करती हैं। ये तो ये ज़रूरी है कि जैसे इतनी टाइप्स की बच्चों में बुद्धि होती है सात तरीके की, तो उसी तरीके से मल्टीपल वे में बच्चों को सिखाना भी चाहिए एक क्लासरूम में। ओके एडुकेटर्स देयरफॉर शुड थिंक ऑफ ऑल इंटेलिजेंसेज एज इक्वली। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उन्हें सभी जो इंटेलिजेंसेज, जो बुद्धि है, उन्हें सभी को एक इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए, सबको एक बराबर देखना चाहिए, बराबर तरीके से सबको पढ़ाना चाहिए। दिस इज़ इन ग्रेट कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम विच टिपिकली प्लेस अ ग्रेटर इन्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ वर्बल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस। बट क्या है कि ये जो थियरी है, ये जो हमारा जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये इससे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट में है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है हमारा, एक पारंपरिक जो जो सिस्टम चला आ रहा है पढ़ाने का, वही चला आ रहा है, जो कि या तो टिपिकली क्या होता है, या तो मौखिक होता है, वर्बली होता है, या फिर वो मतलब मैथमेटिक्स पे मतलब गणितीय बुद्धि के विकास पर अधिक जोर देते हैं। अब बुद्धि तो बच्चों में अलग अलग तरीके की होती है, बट उन्हें एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि वो उनके लिए ईजिली लर्निंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दस द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इम्प्लाइज दैट एडुकेटर्स शुड रिकोगनाइज एंड टीच टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ टैलेंट्स एंड स्किल्स। तो एक टीचर को ये सारी चीज़ें समझना चाहिए, पहचानना चाहिए कि मतलब कि उनके बच्चों के जो टैलेंट्स है, जो उनकी स्किल्स है, उनका रेंज देखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। ऐसा नहीं कि उनका बुद्धि जैसे अगर आर्ट्स में अच्छा है तो उन्हें उस तरीके से सिखाओ, अगर उन्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उन्हें क्लास में तो कभी भी कभी किसी भी चीज़ पे, कभी किसी लेसन पे थोड़ा गाने के तरीके से मतलब कुछ रोल प्ले करके दिखाओ, अलग अलग चीज़ों से बच्चों को पढ़ाओ, ताकि वो मोटिवेट हो सके, पढ़ने की तरफ इंट्रैक्ट हो सके और अट्रैक्ट हो सके। अ सेकेंड इम्प्लीकेशन इज़ दैट टीचर शुड स्ट्रक्चर द प्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल इन अ स्टाइल दैट इंगेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसेज। जो सेकेंड इम्प्लीकेशन इसका क्या है कि टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए उनके प्रेजेंटेशन का, जो वो जिस मटेरियल से वो पढ़ाने वाले हैं, ऐसा इस तरीके का उस स्टाइल का होना चाहिए जिसमें जो सात तरीके की बुद्धि हैं और बाकी की तरीके की जो बुद्धि हैं वो सब उसमें आ जाएं। इस तरीके का कुछ वो मतलब अपना जो लेसन प्लान ऐसा बनाएं कि वो सारी बुद्धि को नज़र में देखते हुए वो सारी चीज़ें पढ़ाएँ। ओके मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो अपना लेसन प्लान करें, या अपना वैसा जो प्रेजेंटेशन मटेरियल है उस स्टाइल का चुने, ताकि उसमें सब कुछ इंगेज्ड हो जाए, सारे उसमें आ जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टीचिंग अबाउट द रिवोल्यूशनरी वॉर, अ टीचर कैन शो स्टूडेंट्स बैटल मैप्स, प्ले रिवोल्यूशनरी वॉर सॉन्ग्स, ऑर्गनाइज अ रोल प्ले ऑफ द सिंगिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचिंग के टाइम अगर मतलब वो रिवोल्यूशनरी वॉर का पढ़ा रही है, जैसे कोई क्रांतिकारी, जैसे हमारे भारत का जो क्रांतिकारी युद्ध हुआ था उसके बारे में अगर टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जहाँ पे वो युद्ध लड़ा गया, ओके चाहे जहाँ का भी जो भी जिस युद्ध के बारे में पढ़ा रहे हैं वहाँ का बैटल मैप दिखाएं उन्हें, उसका मतलब कि क्या दिखाएं, मैप दिखाएं युद्ध की जगह का मैप, और क्या और किस तरीके से वो लड़ा गया था उसका थोड़ा प्ले करके बच्चों को दिखाए, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बता देने से उनके सब आधा तो दिमाग से बाहर ही चला जाएगा, तो उन्हें वो थोड़ा
जो वॉर हुआ था उसे थोड़ा प्ले करके, प्ले के अकॉर्डिंग बताएं उसका, मतलब थोड़ा ड्रामा करके दिखाएं, उसका नाटक जैसे करते हैं प्ले वैसे रोल प्ले करके दिखाएं। ओके, सॉन्ग्स के थ्रू दिखाएं उसे, जैसे अलग अलग तरीके के राष्ट्रीय गीत होती है तो उसमें अलग अलग जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में अलग अलग अच्छे से गाना, कई सारे ऐसे होते हैं बहुत सारे, तो उसके थ्रू बच्चों को बताएं, जो बच्चों को आता है अगर किसी को सिंगिंग का इंटरेस्ट है तो उसको उठा के, मतलब उनको पूछो कि हाँ इस इनके बारे में आप कोई गाना गाओ, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर रोल प्ले ऑफ द सिंगिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी ऑर्गेनाइज करें कि मतलब कि एक रोल प्ले ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि जिस दिन इंडिपेंडेंस हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, उस दिन का एक गाना मतलब गाया जाए रोल प्ले के थ्रू, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे क्या है कि एक लेसन में, एक लेसन प्लान अगर टीचर ने बनाया तो एक दिन एक लेसन में उसने कई तरीकों का यूज़ किया, मल्टीपल वेज का यूज़ किया, तो इसमें कई सारे बुद्धि आ ही जाती हैं, तो ऐसे सबकी समझ में थोड़ा थोड़ा सबकी समझ में वो आ जाएगा। ओके, एंड हैव द स्टूडेंट्स रीड अ नॉवेल अबाउट लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस टाइम का जो नॉवेल रहता है उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए उसके बारे में कि हाँ उस टाइम की लाइफ कैसी थी। ओके, उस पीरियड की लाइफ कैसी थी लोगों की। दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन नॉट ओनली एक्साइट स्टूडेंट्स अबाउट लर्निंग बट इट ऑल्सो अलाउज अ टीचर टू रेनफोर्स द सेम मटेरियल इन अ वेराइटी ऑफ वेज। मीन्स जो इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, इस तरह की जो प्रस्तुति करते हैं टीचर्स, ओके, तो इससे ना तो सिर्फ छात्रों को सिर्फ सीखने के बारे में बताती है बल्कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी, मतलब कि एक सामग्री को, एक रोल, एक मतलब एक ही सामग्री के लिए विभिन्न तरीकों से मतलब सुदृढ़ करने के लिए मतलब रेनफोर्स करता है, अनुमति देता है उनको, मतलब वो एक ही चीज़ से इस चीज़ से तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में, उनको भी इंटरेस्ट आएगा और टीचर को भी एक ही चीज़ में, एक ही सामग्री में कितना कुछ मतलब सिखाने को मिल जाएगा। ओके, बाय एक्टिवेटिंग अ वाइड असॉर्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंसेस टीचिंग इन दिस मैनर कैन फैसिलिटेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए, जो इंटेलिजेंस, जो मतलब जो अलग अलग बुद्धि हैं, जो मतलब इतने वाइड, मतलब इतने अलग अलग तरीके में वर्गीकृत की गई हैं, बांटा गया है, तो उससे उसमें क्या होगा कि ये टीचिंग मैनर जो है उन्हें फैसिलिटेट करेगा, बहुत अच्छे से उन्हें सुविधा देगा डीप अंडरस्टैंडिंग की, ताकि उसमें गहरी समझ हो सके सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें उनकी गहरी समझ हो सके। ओके, एवरी वन इज़ बोर्न पोसेसिंग द सेवन इंटेलिजेंसेज, नेवर लेस ऑल स्टूडेंट्स विल कम इन टू द क्लास रूम विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। हर कोई बच्चा जो मतलब बोर्न कैसे होते हैं, हर तरीके की इंटेलिजेंस के साथ बच्चा जब पैदा होता है तो हर इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है, बस क्या होता है कि जो उसकी हेरिडिटी होती है बाद में आगे चल के, जो उसका एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जो उसका आसपास का वातावरण होता है, उसकी फैमिली का जैसा बैकग्राउंड रहता है उसके हिसाब से वो धीरे धीरे कोई एक पर्टिकुलर, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेट में आ जाता है, एक कोई एक खास बुद्धि में आ जाता है। ओके, सातों के साथ बुद्धि उसमें नहीं रह सकती, या जो भी जितनी भी सारी भी हो उस सब सब की सारी 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 बुद्धि एक पर्सन में नहीं आ सकती, तो कुछ ना कुछ एक विशेष उसमें आती है। तो फिर भी क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स में जो जब वो क्लासरूम में आते हैं तो अलग अलग इंटेलिजेंस के साथ आते हैं, पैदा तो होते हैं बहुत सारी सातों बुद्धि के से के साथ, बट जब वो क्लासरूम में रहते हैं तो कोई मतलब कि एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर बुद्धि ही उनके साथ रहती है, मीन्स क्लासरूम में सबकी अलग अलग सेट की बुद्धि होगी। ओके, इंटेलिजेंस होगी। दिस मीन्स दैट ईच चाइल्ड विल हैव हिज ओन यूनिक सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसका मतलब क्या है कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, आगे चल के उनका जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, वो सारी उनका एक अलग सेट होगा कि उनको किस में इंटरेस्ट है या किस में उनको इंटरेस्ट नहीं है, किस में उनका स्ट्रांग पॉइंट है, किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में उनका वीकनेस पॉइंट, वीक पॉइंट है। ओके, दीज सेट्स डिटरमाइन हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न इंफॉर्मेशन। ओके, यही जो उनकी बुद्धि की एक सेटिंग होती है, मतलब जो उनके अंदर बुद्धि होती है वो डिसाइड करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा या कितना इजी होगा किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब ग्रहण करना, व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। जब एक पर्टिकुलर मैनर में कोई सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है तो उनकी कौन किस प्रकार की बुद्धि है वही डिपेंड करेगी कि उन्हें कौन सा मतलब ईजी लग रहा है या डिफ़िकल्ट लगेगा इस उनकी बुद्धि के थ्रू।
दिस इज़ कॉमनली रेफर टू एज अ लर्निंग स्टाइल। तो यही चीज़ क्या होती है, लर्निंग स्टाइल होती है, सबकी अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है। ओके, ये सारी चीज़ें लर्निंग स्टाइल से संबंधित हैं, तो हम लर्निंग स्टाइल का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए सब लर्निंग स्टाइल के बारे में ही ये सब है। मेनी लर्निंग स्टाइल्स कैन बी फाउंड विद इन वन क्लासरूम। कई सारे मतलब अलग अलग तरीके की लर्निंग स्टाइल हम देखते हैं एक क्लासरूम में, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक क्लासरूम में लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर अ टीचर अकोमोडेट एवरी लेसन टू ऑल द लर्निंग स्टाइल्स फाउंड विद इन द क्लासरूम। ऐसे एक टीचर के लिए एक इम्प्रैक्टिकल वाली बात है कि हर लेसन वो इस तरीके से पढ़ाए। ओके, इसकी सारी चीज़ों हर लेसन को वो इस तरीके से समायोजित कर पाए, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। बट क्या होता है, नेवरतलेस द टीचर कैन शो स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ देयर मोर डेवलप्ड इंटेलिजेंस टू असिस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट विद इन नॉर्मली एम्प्लॉयज़ देयर वीकर इंटेलिजेंसेस। फिर भी एक टीचर क्या कर सकती है कि वो स्टूडेंट्स को दिखा सकती है कि वो अपने जो उनकी बुद्धि है वो ज़्यादा ज़्यादा उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं जिसमें उनकी बुद्धि कमज़ोर है। जिस सब्जेक्ट में सपोज़ कि अगर वो मैथमेटिकल वाले बच्चे हैं, और या फिर जिनकी बुद्धि जैसे म्यूजिकल टाइप की है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाली है, या जिसकी बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो इन लोगों को अगर किसी प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट मैटर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर को वही चीज़ बतानी है कि आप इस चीज़ों से किस तरीके से मतलब अब इस सब्जेक्ट मैटर से इसमें से आप क्या ले सकते हैं, किस इसमें इस सब्जेक्ट मैटर से आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपनी इंटेलिजेंस में। ओके, मीन्स इसका सब मतलब इन लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है उसको अगर ध्यान में रखते हुए टीचर को कैसे पढ़ाना है एक क्लास में, उनका जो मल्टीपल नोट्स असेसमेंट, अगर बच्चे का आकलन कर रहे हैं कि हाँ उनको क्या है क्या नहीं है, तो उसमें मल्टीपल नोट्स असेसमेंट का यूज़ करना है, मल्टीपल वेज़ का, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल टीचिंग स्टाइल का, और लर्निंग मेथड टीचिंग मेथड का भी अलग अलग तरीके से यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है। ओके, सो ये मतलब गार्डनर की थियरी हो गई उसकी। थैंक यू सो मच।